थेरेपी क्या है, ये किस चीज़ के लिए दी जाती है, कैसे दी जाती है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यही कुछ बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इम्यूनोथेरेपी एक किस्म की दवाई है जो हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स हैं इम्यूनोथेरेपी के। बेसिक प्रिंसिपल इम्यूनोथेरेपी का ये है कि ये हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और उस इम्यूनिटी को प्रोत्साहन देती है कि वो कैंसर से लड़े और कैंसर को ख़त्म करे। एज ऑफ नाउ इम्यूनोथेरेपी स्टेज 4 कैंसर्स में दी जाती है। स्टेज 4 कैंसर्स हेड टू टो कई प्रकार के कैंसर्स हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर्स, लंग कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, GI कैंसर, फूड पाइप कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, हर किस्म के कैंसर में आजकल इम्यूनोथेरेपी का रोल है। बट ऐसा नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को आंखें बंद करके इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। ये इम्यूनोथेरेपी देने के कुछ बड़े स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट अगर पॉजिटिव होते हैं हम लोग तभी ये इन किस्म की दवाइयाँ देते हैं। यूजली ये टेस्ट बाय द नेम ऑफ PD-L1 स्कोरिंग या फिर TMB स्कोरिंग या MSI स्कोरिंग, इन इस किस्म के कुछ नाम हैं जो आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे। अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो इम्यूनोथेरेपी के काम करने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ केसेस में इस स्कोरिंग को हटा के भी हम लोग इम्यूनोथेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी यूजली सुनने में जैसी भी लगे, छोटी सी वायल होती है दवाई की, उस वायल को सलाइन में मिला के IV दे दिया जाता है, सलाइन की बॉटल में डाल के। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है, 1 से 1.5 घंटे में दे दिया जाता है। 2 हफ्ते में एक बार या 3 हफ्ते में एक बार ये दवाई दी जाती है। यूजली ऐसा माना जाता है कि इम्यूनोथेरेपी का असर थोड़ा स्लो आता है, बट जिनमें आता है फिर लॉन्ग टर्म रहता है। सो यूजली हम अगर ये दवाई स्टार्ट करते हैं तो 3 महीने लगभग या 3 से 4 महीने तक ये दवाई देना चाहते हैं। इतना समय हम इस दवाई को देते हैं, इतने समय में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दवाई का असर आएगा। थोड़ा सा स्लो टू स्टार्ट होता है। कई केसेस में इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी के साथ मिला के भी दी जाती है। कई केसेस में इम्यूनोथेरेपी अलग सिंगल एजेंट की तरह दी जाती है। ये डिपेंड करता है इंडिकेशन टू इंडिकेशन और पेशेंट की जनरल कंडीशन पे। यूजली बहुत सेफ दवाई होती है, बट साइड इफ़ेक्ट्स अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो उस हिसाब से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जिसको ऑटो इम्यून साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं। तो पेशेंट को कई बार जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, लंग में फाइब्रोसिस हो सकता है, खांसी की फॉर्म में आते हैं, लूज मोशंस हो सकते हैं। तो ये यूजुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यूजली आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। हम लोग दवाई की डोज कम कर दें तो ये ठीक हो जाते हैं, या कई बार लो डोज स्टेरॉइड दें तो ये ठीक हो जाते हैं। 2018 का नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन उन साइंटिस्ट को दिया गया था जिन्होंने इम्यूनोथेरेपी की खोज की थी। बट एक कॉशन मैं देना चाहता हूँ, इम्यूनोथेरेपी बड़ी स्टैंडर्ड है अक्रॉस द वर्ल्ड। 5-6 किस्म की दवाइयाँ हैं जिनके नाम आपको आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बता देंगे, बट इम्यूनोथेरेपी के नाम पर आजकल कुछ भी कोई भी चला रहा है। किसी भी दवाई को इम्यूनोथेरेपी बोल के आगे देने की कोशिश की जाती है। बड़े ही स्टैंडर्ड सी दवाइयां हैं, 5-6 किस्म की हैं, हर दवाई इम्यूनोथेरेपी नहीं है। सो ये ट्रीटमेंट्स आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने चाहिए जब भी स्टेज 4 कैंसर के साथ आप डील कर रहे हैं। कोई भी स्टेज 4 कैंसर है तो आपके डॉक्टर से आपको ये ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि क्या इसमें इम्यूनोथेरेपी इफ़ेक्टिव होगी, कोई तरीका है, क्या चांसेस हैं। तो ये संक्षिप्त में इम्यूनोथेरेपी के बारे में जानकारी थी।